सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोवी क्राइम चैनल को और बेल आइकन ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए सो फाइनली वन प्लस वालों ने अपने आर के अंदर ऑक्सीजन वेस्ट फोर्टीन बेस्ड ऑन एंड्रायड फोर्टीन का न्यू सोटा वर्जन अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अपडेट के बाद कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है कौन से बक्स फिक्स किए हैं साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं वन बाई वन सारे कुछ बताने वाला हूँ तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर फीचर्स बक्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके वर्जन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे वन प्लस ट्वेल्व आर के अंदर यू वन थर्टी पी डबल जीरो ब्रेकेट में बी आर बी वन ई एक्स जीरो वन करके न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है वन सिक्सटी सिक्स पॉइंट नाइन्टी एट एम बी के है और ये आपको ऑक्सीजन वेस्ट फोर्टीन के अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाता है बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्राइड सिक्योरिटी पेज की तो यहाँ पर आपको एंड्राइड 14 के अपडेट के साथ 5 सितंबर 2024 का करंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्राइड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे-मोटे नॉन इशू थे बग्स वगैरह देखने को मिलता था उसको यहां पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम यू को अपटीमाइज एंड इम्प्रूव किया है जिससे कि आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ सिस्टम परफॉर्मेंस सिस्टम यू देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है ट्रिनिटी इंजन है उसको यहाँ पर आर भी इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है जिससे कि जो बैटरी लाइफ स्पीड एप्स ओपनिंग क्लोजिंग स्टेबिलिटी वगैरह आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ बेटर परफॉर्मेंस के साथ सिस्टम यूआई देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे में आपको प्राइवेट सेफ का ऑप्शन देखने को मिलता है इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन या फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि है रिसेंट डिलीटेड का यहाँ पर दोस्तों अगर आप प्राइवेट में कोई भी डेटा चाहे वो इमेज हो या फिर वीडियो वगैरह कुछ भी आप प्राइवेट में रखते हैं और उसको अगर आप प्राइवेट सेप से डिलीट करते हैं तो वो डिलीटेड फोटो है वो रिसेंट डिलीटेड के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट थर्टी डेज तक रिसेंट डिलीटेड में रहेगा उसके बाद ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट हो जाएगा तो ये जो रिसेंट डिलीटेड वाला जो फीचर्स हैं वो पहले प्राइवेट सेप में शो नहीं होता था इसमें ऐड ही नहीं हुआ था तो इस फीचर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोज एप्स के अंदर यहाँ पर अगर आप फोटोज एप्स में जाकर किसी भी एल्बम वगैरह को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में थ्री डॉट देखने को मिलेगा इस थ्री डॉट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि पहले शो नहीं होता था अभी आप पर्टिकुलर एल्बम को शॉर्ट कर सकते हैं डेट टाइम के अनुसार और फाइल नेम के अनुसार यहाँ पर आप शॉर्टिंग कर सकते हैं साथ ही दोस्तों आप इस एल्बम के कवर पेज जो है जो कि सामने में शो होता है उसको आप अब चेंज कर सकते हैं थ्री डॉट में जाकर आप एल्बम कवर करते हैं तो यहाँ पर आपको इमेज चूज करने का ऑप्शन देगा जिसे आप कवर पेज बनाना चाहते हैं उसको select करना है, है, तो आपका जो album का cover है, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा आप देख सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर आप एल्बम का नेम चेंज करना चाहते हैं तो पहले आपको एल्बम के बाहर में रहकर उसको लॉन्ग प्रेस करके आपको रीनेम करना पड़ता था लेकिन अब आप एल्बम के अंदर रहने के बाद भी थ्री डॉट में क्लिक करके आप एल्बम को रीनेम कर सकते हैं जो कि पहले नहीं कर सकते थे तो अब आपको फोटोस एप्स के अंदर किसी भी एल्बम का कवर चेंज कर सकते हैं उसको शॉर्टिंग कर सकते हैं साथ ही आप एल्बम के अंदर रहते हुए भी आप एल्बम को रीनेम कर सकते हैं तो यहाँ पर इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की तो फोटोस एप्स के अंदर ही आप किसी भी वीडियो में एडिट करते हैं और स्पीड जो है इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पर पहले क्या होता था कि जो वीडियो में साउंड रहता है आइडियो रहता है वो भी स्पीड अप हो जाता था आई I मीन mean कि उसका स्पीच जो है चेंज हो जाता था लेकिन इस अपडेट के बाद अगर आप कोई सभी वीडियो वगैरह को एडिट करते हैं और उस वीडियो का स्पीड बढ़ाते हैं तो उसका जो आइडियो स्पीच है वो प्रॉपरली क्लियर सुनाई देता है उसका स्पीच जो है बढ़ता नहीं है इसके अलावा बात की अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों से के अंदर अगर आप से में जाते हैं और किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको स्मार्ट कट आउट का फीचर्स देखने को मिलता है जिसमें आपको पहले सेव कॉपी एंड शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता था लेकिन अब आपको एड का न्यू ऑप्शन देखने को मिल चुका है इसके थ्रू दोस्तों आपके इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा जिसे स्मार्ट कटआउट के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको आप स्टिकर के रूप में एड कर सकते हैं साथ ही किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक्सट्रैक्ट करके फाइल डॉक में रखते हैं उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को आप फिर से उस इमेज में एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं आप उस इमेज में और भी कस्टमाइज या फिर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं साथ ही नीचे साइड में आपको इमेज ऐड करने या फिर स्टिकर ऐड करने का ऑप्शन देता है और सबसे नीचे में आपको जो ओमोजी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप इमेज में कस्टमाइज कर सकते हैं ओमोजी वगैरह लगा सकते हैं तो यहाँ पर अब आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन के लिए ओमोजी वगैरह स्टिकर वगैरह ऐड कर दिया है पहले दोस्तों आप इस टाइप के कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते थे जो कि इस अपडेट के बाद अब आप स्मार्ट कटआउट के थ्रू काफी सारे कस्टमाइजेशन इमेज में एमोजी स्टिकर वगैरह ऐड कर सकते हैं एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की तो उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर साइड बैटरी के अंदर यहां पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर और बेस्ट देखने को मिलता है पहले दोस्तों कुछ कुछ थर्ड पार्टी एप्स जो है काफी ज्यादा बैटरी यूज करते थे बैटरी कंज्यूम करते थे जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है जिससे कि आपको बेटर बैटरी लाइफ बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है यहाँ पर अभी पावर कंजम्सन को ऑप्टिमाइज किया है जिससे कि बैटरी लाइफ जो है आपको काफी बेटर देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर आपको सही देखने को मिलता है आप प्रॉपर वे में चार्जिंग कर सकते हैं अभी आपको प्रॉपरली बेटर स्पीड के साथ चार्जिंग देखने को मिल जाता है बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है पहले दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में जीटर इशू बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिलता था उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है जिससे कि अभी आप गेम प्ले करते हैं गेम खेलते हैं तो आपको प्रॉपर और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बाकी जो ओवरऑल गेम का परफॉर्मेंस है वो काफी स्मूथ और स्टेबल देखने को मिल जाता है अब दोस्तों बात की जाए वन प्लस के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है आप वहां पर जाकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ओएस थर्टीन ऑक्सीजन ओएस फोर्टीन एंड ऑक्सीजन ओएस का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों अगर आप ऑक्सीजन ओएस का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करते हैं तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा हो सकता है आपको एप्स क्रेसिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन कौन से बक्स और न्यू फीचर्स देखने को मिले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों